भोजपुरी इंडस्ट्री में मोस्ट ऑफ सभी सिंगरों के गाने सावन के गीतों के आ चुके हैं सिवाय पवन सिंह के, और अब उनके फैंस बेताब हो रहे हैं पवन के गीतों को सुनने के लिए। जी हाँ, आपको बता दें कि पवन सिंह भोजपुरी के अब ऐसे सिंगर बन चुके हैं जिनसे भोजपुरी को भी काफ़ी उम्मीदें बन चुकी है। जी हाँ, भोजपुरी में काफ़ी लोग गाना सुनना छोड़ चुके थे भोजपुरी की अश्लीलता के कारण, लेकिन पुदीना ने एक नया रिकॉर्ड ही कायम कर दिया। अब लोग भोजपुरी के गाने सुनने भी लगे हैं। खैर, अब हम आपको बता दें कि सावन के गीतों का क्या हाल है। तो आपको तो पता ही है, रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुकी है, शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है और पवन सिंह के गाने जल्द ही आने वाले हैं। साथ ही लोग पुदीना के तर्ज पर गाना सुनना चाहते हैं। तो सुनने में आया है कि ऐसे एक गाने के लिए पवन ने भी अपने आप को तैयार कर लिया है। पवन ने अपनी म्यूजिक कंपनी से कह दिया है कि एक ऐसा गाना जो पुदीना के तर्ज पर हो वो दर्शकों के बीच आना ही चाहिए, क्योंकि ये डिमांड दर्शकों की तरफ से ही आ रही है और दर्शक कोई डिमांड करे पवन सिंह ना लेकर आए ऐसा हो नहीं सकता। आपको बता दें कि वतन फिल्म की जैसे ही शूटिंग कंप्लीट हो जाएगी, जो कि 2 से 4 दिनों की है, वो शूटिंग जैसे ही कंप्लीट होती है पवन सिंह तुरंत अपने सावन के गीतों की शूटिंग करना स्टार्ट कर देंगे और उन्हीं में से एक गाना होगा पुदीना के तर्ज पर। जिस तरह से पुदीना वाले गाने ने बवाल मचाया है, ठीक उसी तरह से पवन सिंह यादगार गाना देना चाहते हैं इस बार अपने फैंस को। आपको ये भी बता दें कि पवन सिंह पूरी तरह से अपने आप को भोजपुरिया दर्शकों के लिए समर्पित कर चुके हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।